अपराजिता बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, शुभ पौधा है। तो चलिए मैं आपको आज अपडेट दे रही हूँ कि फर्टिलाइजर फीड करने के बाद पौधे किस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं, फ्लावरिंग में जो है कितना जो है उछाल आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर के जो है अपराजिता के फूल कितने अच्छे तरीके से जो ये यहाँ पे जो है ब्लूम हुए हैं, और इनमें क्या है टू कलर लगे हुए हैं। और पौधे की बात करें तो इसमें जो है इस छोटे से तसले में बहुत सारे जो है पौधे मैंने लगा लिए थे, जो भी पौधे बचे थे मैंने उनको वेस्ट नहीं किया, फेंके नहीं, इकट्ठे ही क्या है मैंने इनको लगा लिए। और इसमें से जो है एक निकाल के जो है मैं शिफ्ट भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डबल पेटल का फ्लावर है, परसों के डेट में ब्लूम हुआ था, और इसमें बाकी जो है वाइट कलर की अभी तक निकली है और इनकी जो है ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे देखिए पास में ही क्या है मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे रखे हुए हैं, और देखिए टू ब्लूम हुई है, दोनों अलग अलग कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल जो है लगते हैं। तो ये भी वाइन वाला पौधा है, इसमें भी जो है बहुत सारे जो है कलर वैरायटी आते हैं, बहुत आसानी से जो है ये उग आते हैं। अगर एक बार आप इस पौधे को अपने गार्डन में लेके आएंगे तो आपको दोबारा से जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही क्या है अलग से जो है लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए ब्लू कलर का जो है सिंगल पेटल का फूल कितना प्यारा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही ब्लूमिंग देना बंद कर दिए थे और इनकी कंडीशन भी बहुत बुरी हो गई थी। तो देखिए अभी इनको मैंने फर्टिलाइज़र दिए थे तो आपके साथ जो है शेयर भी किए थे, तो क्या दिए थे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है और फूल भी जो है आने लगे हैं, और इनकी पत्तियों का कलर भी देखिए काफ़ी जो है चेंज हो गया है। पहले देखिए पत्तियों का कलर कुछ इस तरीके से जो है येलो पड़ के गिर रहा था, पौधे की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन अब क्या है इसमें जो है सुधार आना जो है शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये भी छोटे से कंटेनर में शैलो पॉट में लगा हुआ है जिसमें मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम है, और इसमें भी पांच छह पौधे लगे हुए थे। इनकी ब्लूमिंग काफ़ी अच्छे चल रही थी जब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इनमें जो है वाइल्ड फ्लाइज का अटैक हो गया था, उसके बाद पौधे की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। तो मैंने क्या किया था इनको बिल्कुल ही जो है हार्ड प्रून कर दिया था, यानी कि पूरा आधा का आधा जो है मैंने दोनों पौधों को जो इसे भी जो है कट कर दिए थे। उसके बाद देखिए इनकी जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छे से जो है चल पड़ी है, और इनमें देखिए फ्लावरिंग की जो है मात्रा बहुत अच्छे से जो है इसमें फ्लावरिंग भी जो है आ रहे हैं, और फ्लावर के साइज़ थोड़े छोटे छोटे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इनके जो फूलों के साइज़ है इतने छोटे क्यों हैं। तो इनके छोटे होने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए छोटा सा कंटेनर है जिसमें मिट्टी भी बहुत कम है, और इसी में क्या है कि पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसीलिए क्या है इनके जो फूलों के साइज़ है थोड़े से जो है छोटे आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सेम प्रॉब्लम हुई थी, इसमें भी वाइट फ्लाइज का अटैक हो गया था, वैसे वाइट फ्लाइज तो है नहीं, बट पौधे को मैंने जो है हार्ड प्रून कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से फिर से जो है फ्लावरिंग पे ये पौधे आ जाए। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर का भी लगा हुआ है पौधा, इसको भी जो है मैंने हार्ड प्रून कर दिए हैं। देखिए अब इनमें नीचे ब्रांचेस आ रही हैं, और इनमें फ्लू जो है अब इनमें नीचे ब्रांचेस बहुत सारी जो है आ रही हैं, और इसमें जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से जो है हो रही है। देखिए इतने सारे जो है फ्लावर्स पेंट हुए पड़े हैं, और यहाँ पे देखिए वाइट कलर के फूल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे से जो है इनकी जो फूलों की जो मतलब बनावट है या फिर फूलों की जो कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, देखने में ही बहुत अच्छा जो है लगता है इनके फूलों का अपराजिता के। तो इनको भी जो है देखिए थोड़ी बहुत मैंने इनको भी प्रूनिंग की है। तो आपको अच्छे तरीके से फूल लेना है तो अपने अपराजिता के पौधे को टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत जो है इनको प्रून करते रहिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये घना भी हो, प्लस साथ में जो है इनमें अच्छे तरीके से जो है फ्लावरिंग भी आए। और यहाँ पे देखिए डबल पेटल के फूल बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, इनके फूल तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इनको भी जो है मैंने खाद दिए हैं, अभी 4 डेज हो गए मेरे ख्याल से इनको खाद दिए हुए, उसके बाद से इनमें जो है फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग इनमें लगातार जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मुझे मिल रही हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको टाइम टू टाइम जो है खाना मिल जाता है, तो अगर हम टाइम टू टाइम पौधे की केयर करते रहे, इनको जो है इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहे, तो ये भी जो है खुश होते हैं और भर भर के जो है फूल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से जो है इनकी ब्लूमिंग चल रही है, और कलियाँ भी जो है ऊपर तक जो है आई हुई हैं। और ये देखिए मैंने इनको क्या है एक PVC पाइप जो है दे रखा है, और इन्हीं में जो है ये चल रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे जो है आज फूल जो है इस पौधे में जो है खिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे से लेके ऊपर तक जो है आपको ब्लू ब्लू ही जो है दिखाई दे रहा है, और इसमें बहुत सारे स्पेंट फ्लावर भी जो है मैंने छोड़ रखे हैं ताकि मुझे अच्छे तरीके से कोई भी जो है एक सीड पॉट जो है बन जाए। बट डबल पेटल का चक्कर ये है कि इनके जल्दी सीड पॉट जो है बनते नहीं हैं, जल्दी से बीज जो है इनसे मिलते नहीं हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं। और बात करें इनकी कटिंग से, तो कटिंग से भी इजीली जो है ये पौधे लगते नहीं है, जो ये
डबल पेटल वाले, लेकिन सिंगल पेटल वाले लगते लग जाते हैं बड़े आसानी से। तो इनके पोलिनेट का चक्कर होगा, क्योंकि देखिए इनके जो डबल पेटल के जो इनके फ्लावर होते हैं बिल्कुल ढके होते हैं पोलिनेटर अंदर, तो ये पोलिनेट हो नहीं पाते सही तरीके से। इसलिए क्या है, बीज बनने में जो है इनको जो है टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में जो है उस तसली से निकाल के मैंने सिंगल प्लांट जो है इसमें लगा दिए हैं, डबल पेटल के प्लांट है, और इसमें ऑलरेडी पहले से ही जो है सिंगल पेटल का जो है फूल जो है लगे हुए थे, जिनको मैंने टाइम टू टाइम छोटे ही स्टेज में जो है काटी गई, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से जो है ये ग्रो कर रहा है। और छोटे हुए देखिए कितना बुशी हो गया है, और फूल भी जो है अच्छे तरीके से दे रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंगल पेटल का है, और ये जो पौधा है डबल पेटल का है। अभी देखिए इनमें कलियाँ वगैरह आ रही हैं, और ये अच्छे तरीके से ब्लूम हो गया तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और यहाँ पे देखिए सिंगल पेटल का जो है व्हाइट कलर का फूल बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसमें भी जो है ब्लूम जो है चल रही है। और इनमें जो है मैंने बहुत सारे जो है सीड जो है छोड़े हैं बनने के लिए, ताकि सीड जो है इनका सेव करके रखूँ। तो अगर खाद देने की बात करें तो खाद बहुत सारे कॉम्बो जो है अपराजिता के पौधे के लिए, लेकिन जो पहला काम आपने करना है, बिना खाद दिए ही आप फूल लेना चाहते हैं तो आपको एक काम जो है करना पड़ेगा। अगर आपको फूल चाहिए ज़्यादा मात्रा में तो आपको क्या करना है कि इनके जितने भी स्पेंट फ्लावर होते हैं कुछ इस तरीके से, इनको क्या है आपको टाइम टू टाइम तोड़ना पड़ेगा। इनको बीज नहीं बनने देना है, नहीं तो ये जो है फूलों की संख्या में जो है कमी कर देते हैं। तो आप ये स्टेप जो है टाइम टू टाइम फॉलो करते रहेंगे तो आपके अपराजिता पौधे में जो है अच्छे तरीके से जो है ब्लूमिंग होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही सीड जो है फलियाँ इसमें बन गई हैं, देखिए इस तरीके से जो है इनकी फलियाँ बनती है, और ब्राउन होने के बाद मैच्योर होने के बाद जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो व्हाइट कलर जो है मैंने इस साल ही अपने गार्डन में ऐड किए हैं, इसलिए क्या है मैं इनके बीज जो है बना के सेव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है ये अपने आप उगे हुए हैं, तो इनमें बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो इसको मैंने छोड़ दिए हैं। देखिए कितने अच्छे से जो है इनकी ब्लूमिंग चल रही हैं। इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के भी पौधे हैं, इस देखिए फलियाँ बन गए हैं इनके, निकाल देते हैं हम। इस पेड़ फ्लावर देखिए कल की डेट में कितने सारे जो है ब्लूम हुए पड़े थे, ये देखिए इनको निकाल देते हैं। तो इसमें प्लस मॉर्निंग ग्लोरी भी जो है बहुत सारे जो है पौधे जो अपने आप उग जाते हैं, इनको जो है मैं छोड़ देती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से जो है यहाँ पे चढ़ रहे और जो है ब्लूम किए हुए हैं। तो बस दोस्तों अपराजिता के मैंने कुछ पौधे के अपडेट दिए। और यहाँ पे देखिए ये नया कलर ऐड किया हुआ है पर्सलिन का, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा जो है पिंक कलर में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट का प्लांट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर जो है पाइनएप्पल है, बाकी जो है इसमें रेन लिली लगाए थे मैंने बल्ब से, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है लग गए हैं। और क्रिसेंथिमम कटिंग तो यहाँ वहाँ जो है मैं लगाती रहती हूँ, तो बहुत सारे जो है क्रिसेंथिमम की कटिंग जो है मेरे पास जो है बन के रेडी हो गए हैं। तो बात करें स्ट्रॉबेरी प्लांट के, तो देखिए अभी तक तो ये सारे पौधे मेरे ठीक ठाक थे, लेकिन अब देखिए बिल्कुल ख़राब हो गए हैं ज़्यादा पानी की वजह से। लेकिन एक पौधा जो है सही सलामत है, और इनमें क्या है बेबी जो है रनर्स भी जो है इनके आने लगे हैं। देखिए बेबी प्लांट है, तो इससे ही जो है पौधे बन सकते हैं, तो इनको हम प्रोपोगेट कर लेंगे। तो आप भी अपराजिता के पौधे लगाइए, आपको क्या है फूलों की जो है कमी नहीं होगी। और फर्टिलाइज़र के लिए मेरी प्रीवियस जो है वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन सा इनको खाद देती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से जो है ये पौधे ब्लूम कर रहे हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।